पादुआर पुलिस ने शराब पीने के लिए वाहन चालकों से पैसों की मांग कर वाहन चालकों से मारपीट करने वाले नाबालिग सहित 3 आरोपियों को सकरेली गांव से गिरफ्तार किया है और 2 आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। साथ ही नाबालिग बालक को बाल संप्रेक्षण गृह कोरबा भेज दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग जिले के खुर्सी पार के रहने वाले ट्रक मालिक रमेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह रायगढ़ से ट्रक में लोहा भरकर रायपुर जा रहा था। इसी दौरान सकरेली रेलवे फाटक के पास पहुंचा था, तभी 3 शख्स आए और ट्रक के मालिक रमेश से शराब पीने के लिए पैसों की मांग करने लगे। जब रमेश ने पैसा देने से मना कर दिया तो तीनों शख्स तैश में आ गए और रमेश को जान से मारने की धमकी दी और गाली गलौज कर रमेश को ट्रक से बाहर निकाल कर उसे मारपीट की। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 327, 294, 323, 506, 34 के तहत जुर्म दर्ज किया था और जांच में जुटी हुई थी। पुलिस इस मामले में 3 आरोपी सूर्यभान चौहान, डोरीलाल यादव और एक नाबालिग बालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 आरोपी सूर्यभान चौहान, डोरीलाल यादव को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है और नाबालिग बालक को बाल संप्रेक्षण गृह कोरबा भेज दिया है।